हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे क्लास टेंथ हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें मैंने आपको टॉपिक वन एंड टॉपिक सेकंड और उनके सब टॉपिक जो थे बता दिए थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक फर्स्ट और टॉपिक सेकंड की जो पूरी समरी थी, टाइमलाइन था, एक ओवरव्यू था, वो मैंने आपको समझा दिया था। अब जो है सेकंड पॉइंट का जो आपका सॉरी थर्ड पॉइंट जो आपका स्टार्ट होता है द रेवोल्यूशनरीज एज, द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज 1830 to 1848 तक, जिसका मैंने आपको फर्स्ट जो टॉपिक था वो समझा दिया था। अब इसी का है 3.1 है जो द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशन, ठीक है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ये था आपका 3.1। ओके, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने किया था कि जो फ्रांस से नेशनलिज्म की जो आग थी या नेशनलिज्म की फीलिंग थी, डेमोक्रेसी लाने की जो लोगों में एक आग थी, वो क्या थी, फ्रांस से होते हुए बेल्जियम के बाद जो है ग्रीस तक जो है चली गई थी। लास्ट वीडियोज में हमने बात की थी, आपको अगर याद होगा, द कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, ब्रदरहुड, ऐसी कुछ आपको वर्ड याद आए अगर, तो उस चीज़ की बात की थी। मीन्स क्या है, लोग क्या है, अलग अलग हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, तो उनमें अपने आप में कोई भी नेशनल फीलिंग नहीं थी। जैसे एकजुट होकर किसी देश में रहना या किसी के खिलाफ लड़ना, एकजुट होकर, वो लोगों में नेशनल फीलिंग नहीं थी। तो ऐसे नेशनल फीलिंग लाने के लिए, द सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी लाने के लिए लोगों में क्या किया, ठीक है, तो उस वे से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अब इसमें ये पार्ट है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब आप देख रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि ये हम तो कर रहे थे वॉर से, युद्ध से, रेवोल्यूशनरीज कर रहे थे, अब इसमें रोमांटिसिज्म कहाँ से आ गया, रोमांटिक इमेजिनेशन कहाँ से आ गई। तो इसी आपको जब पढ़ोगे तो आप इसको कोरिलेट कर पाओगे। तो रोमांटिक इमेजिनेशन क्या थी, लोगों में क्या करना था, नेशनल सेंटीमेंट और नेशनलिज्म डेवलप करना था, जो लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, ताकि उनमें समय एकजुट आए, यूनाइट हो, यूनिटी आए। सो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म की डेवलपमेंट के लिए एंड नेशनल सेंटीमेंट्स की डेवलपमेंट के लिए द कल्चर, आर्ट, पोएट्री एंड स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनल फीलिंग। अब इन्होंने क्या किया कि जो कल्चर था, आर्ट था, पोएट्री थी, स्टोरी, म्यूजिक, इसने क्या हेल्प करता था, एक्सप्रेस एंड शेप नेशनल फीलिंग, हमारी लोगों की नेशनल फीलिंग को एक्सप्रेस करने में ये हेल्प करता था। कौन, कल्चर, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक, दीज ऑल आर द रोमांटिक टूल्स, ठीक है, रोमांटिसिज्म के टूल्स बोला जाता है, जिसमें कल्चर, आर्ट आ गया आपका। ऐसे ही कुछ पोएट्स थे, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स थे, जो ये उनका मानना क्या था कि हम जो लोगों में नेशनल फीलिंग लानी है, वो हम सिर्फ युद्ध के द्वारा या लोगों को भड़का के नहीं ला सकते, लोगों में एक कॉमननेस होनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक पास्ट का, एक कॉमन पास्ट का, एक देश का जो हिस्सा समझे। तो उन्होंने क्या किया, दे क्रिटिसाइज, जो पोइट्स थे, दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया, किसका, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस का क्रिटिसाइज़ किया। और उनका ये मानना था कि जो लोगों में कलेक्टिव है, जो आइडेंटिटी है, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है, वो कैसे आएगी, कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन कल्चर से, ठीक है, कॉमन कल्चर और कॉमन हेरिटेज से ही लोगों में जो है एक यूनिटी आ सकती है, और यही यूनिटी जो है बेस ऑफ अ नेशन, किसी नेशन को बनाने का एक बेस है, लोगों में एक जुटता लाना, एक यूनिटी लाना, और उनको ये एहसास दिलवाना कि वो एक ही राष्ट्र के जो है पास्ट से जुड़े हुए हैं। लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए पोइट्स का ये मानना था कि उनको कॉमन हेरिटेज और कॉमन कल्चर जो है उनको दिखाना चाहिए, उससे रिलेट करना चाहिए। ऐसे ही जो जर्मन फिलोसोफर थे, जॉन गॉटफ्राइड हैडर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि नेशन बिल्डिंग कैसे हो सकती है, किसी देश को कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने क्या कहा, थ्रू फोक सॉन्ग के द्वारा, फोक पोएट्री के द्वारा, फोक डांस के द्वारा एंड वेनुकुलर लैंग्वेज होती है कॉमन लैंग्वेज किसी एरिया की। ओके, तो इनका मानना ये था जॉन का कि जो लोगों में एक जहाँ नेशन बिल्डिंग कैसे की जाती है, थ्रू द
फोक सॉन्ग, या तो फोक सॉन्ग के द्वारा, फोक पोएट्री, फोक डांस और वर्नाकुलर लैंग्वेज के द्वारा ही लोगों में जो है एक राष्ट्र के प्रति, एक नेशनलिज्म के प्रति रिस्पेक्ट और एक जो है अपनी ट्रस्ट जो है पैदा किया जा सकता है। सो इसी ट्रस्ट और एकजुटता से ही जो लोग हैं वो किसी जो है मोनार्किकल सिस्टम या किसी दूसरे जो है डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ पाएंगे। सो ऐसी एक एग्जाम्पल दी गई है आपको, ये एग्जाम्पल है पोलैंड की। जैसे मैंने आपको पढ़ा होगा ट्रीटी ऑफ वेना करवाया था, तो ये क्या था, इन द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना, वेना के टाइम पे जो है पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था। जो आपका पर्शिया, रशिया और दूसरे जो ब्रिटेन था, इन्होंने डिवाइड कर लिया था, तो पोलैंड के जो है अलग अलग डिवाइड हो गए थे। तो अलग अलग डिवाइड करने से वजह से जो है इसमें जो रशियन लैंग्वेजेस यूज़ की जाने लगी थी इन स्कूल एंड कॉमन टॉक। आम जो लोगों की ज़िंदगी में रशियन लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी थी। पोलैंड की जो कॉमन लैंग्वेज थी, पोलिश था, उसको हटाकर जो है उसको बंद करके रशियन लैंग्वेज लगा दी गई, जिससे क्या है लोगों में भारी रोष आ गया। उन्होंने विद्रोह किया रशियन जो है डोमिनेंस का, रशियन गवर्नमेंट का, जो भी वहां पे थी उस समय की सरकार। तो वो चाहते थे कि जो रशियन लैंग्वेजेस को खत्म किया जाए और वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है, वहां की जो जो है वहां पे मातृभाषा जैसे पोलिश लैंग्वेज है, उसको डेवलप किया जाए, ताकि उनमें एक कॉमननेस, एक ब्रदरहुड, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके। सो उन्होंने क्या, पीपल्स यूज टू पोलिश लैंग्वेज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो लोगों ने क्या किया, रशियन लैंग्वेजेस को यूज किया, पोलिश लैंग्वेजेस को यूज किया रशियन डोमिनेंस का विरोध करने के लिए, ताकि वो रशियन लैंग्वेजेस को हटाकर पोलिश लैंग्वेज को जो है वहां पे इंप्लीमेंट कर सके। सो ये एक कॉमन सा टॉपिक है, इसमें से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मेनली मोस्टली जो आ जाता है, ठीक है। तो एक इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है कि आपको किसी राइटर का या किसी आपको राजा का नाम याद करना, किसी वॉर का। सिर्फ आपने ये देखना कि रोमांटिसिज्म है क्या है, ठीक है, एक नेशनल, एक फिलोसफी है, एक नेशनल टूल है जिससे हम नेशनल बिल्डिंग कर सकते हैं और लोगों में जो है नेशनल सेंटीमेंट्स ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रोमांटिक्स जो है पोएट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रोमांटिक्स पोएट्स क्या थे, और जो रोमांटिसिज्म के थ्रू क्या हो सकता है कि नेशनल फीलिंग को जो है हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं थ्रू द नेशनल, सॉरी रोमांटिक, थ्रू द रोमांटिसिज्म जो है हम अपने लोगों में जो है एक नेशन फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो ये था आपका पूरा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द फीलिंग, नेशन फीलिंग। सो ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमसे फिर से दोबारा जो है उसी एज में चले जाएंगे जहाँ पे रेवोल्यूशनरीज थे, कंजर्वेटिव थे, लिबरल्स थे आज़ादी पाने के लिए, तो उसी एज में हम वापस चले जाएंगे। ये आपका था छोटा सा टॉपिक। सो हो वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।